रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समीर पब्लिक बढ़ रहे स्कूल के प्लेटफॉर्म से तमाम तलबा और तालबात को खुशामदीद। आज जो हम मशक कर रही है, हमने 3/4 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मजीद करते हैं उनको। पहले सवाल मित्रा है ये भी, अगर ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी हो तो साबित करें। साबित हमने क्या करना है, स्टेटमेंट जो दी गई है इस यहाँ से स्टार्ट करना है और हमने ये साबित करके देना है। 2a + 9b / 2a - 9b बराबर है 2c + 9b बटा 2c - 9b, ये चीज़ हमने साबित करनी है। अब जो ये दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लिखेंगे ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के। तो निस्बत को बताया, निस्बत को बटे में लिखा करते हैं, ये आ जाएगा ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। अब आप जब बटे में लिख लें तो उसके बाद आप देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ए के साथ क्या चीज दी गई है, वो 2 है, इजाफी चीज क्या है 2 है, और बी के साथ क्या है, बी के साथ 9 है। यहाँ हमारे पास 2 होना चाहिए और बी के साथ 9 होना चाहिए, सी डी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपने पहले 2 नंबरों को देखना है। तो ए के साथ 2 चाहिए, बी के साथ हमारे पास 9 चाहिए। 2 और 9 कैसे होगा, आप 2/9 से ज़रब कर देंगे, 2/9 से ज़रब करने से 2/9 ए बटा बी बराबर है 2/9 सी बटा डी। अब ये 2 a से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a / 9 को b से 9b हो जाएगा बराबर है 2 को ज़रब करेंगे c के साथ वो 2c हो जाएगा, 9 को करेंगे d के साथ वो 9d हो जाएगा। यहाँ तक तो ज़रब करने के बाद ये जवाब आ गया, लेकिन हमने साबित क्या करना है, हमें करना है 2a + 9b बटा 2a + 9b। ये क्या करना पड़ेगा, पहले सवालों की तरह मसला तरतीब तफसील लगाएंगे। मसला तरकीबो तफसील लगाने से, मसला तरकीबो तफसील क्या होता है, ऊपर वाला नंबर जो है बटे के ऊपर वो वैसे लिख देंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर जाकर जमा होगा, फिर ऊपर वाला नंबर वैसे लिख देंगे, नीचे वाला नंबर नीचे आकर माइनस हो जाएगा बराबर है ऊपर वाला नंबर 2c वैसे 9d ऊपर जाकर जमा हो जाएगा, फिर 2c वैसे नीचे वाला नंबर नीचे माइनस हो जाएगा। ये चीज हमें साबित करने की, पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट से शुरू करना है और ये चीज हमें जो करने की, 2a + 9b / 2a - 9b बराबर है 2c + 9b / 2c - 9b, ये चीज हमें साबित करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। अब इसका मजीद क्वेश्चन जो है वो खड़ा है हमारे पास, इसका तीसरा पार्ट है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, a = b = c = d को हम पहले लिख लेंगे, जो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है a = b = c = d। निस्बत को पता है वो उसको बटे में लिखेंगे हम, a/b हो जाएगा बराबर है c/d हो जाएगा, फिर a/b c/d हमें नहीं चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन में आपने देखना है a के साथ इजाफी चीज क्या लगी हुई है, वो हमारे पास a के साथ है c² और b हमारे पास कह रहा है, इधर भी b के साथ क्या लगी हुई है, d² लगा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, इधर a के साथ c² चाहिए, b के साथ हमें d² चाहिए। ये कैसे आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे दरक कर देते, इधर भी दरक कर देंगे, a के साथ c² चाहिए, b के साथ d² चाहिए, हम क्या लिखेंगे, c² / d² से ज़रब करने से। अच्छा एक बात तो ख्याल रखिए, अगर सिर्फ आपने चेक किसको करना है, a और b के साथ देखना है, सी और बी के साथ किसी को ये नहीं देखना कि सी के साथ क्या लगा हुआ है, डी के साथ क्या लगा हुआ है, जी आपने चेक नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है ए के साथ क्या लगा हुआ है और बी के साथ इजाफी चीज क्या लगी हुई है, उसको देख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें ए के साथ c² चाहिए था और बी के साथ हमें d² चाहिए, हम उसी को ही देखा और उससे क्या कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं। इधर हम लिखेंगे c² / d² ज़रब a/b बराबर है c² / d² ज़रब c/d। अब c² को जब a से ज़रब करेंगे वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ac², जब d² को b से ज़रब देंगे वो बन जाएगा bd² बराबर c² को जब c से ज़रब देंगे वो हमारे पास बन जाएगा c³। d² को d से ज़रब करेंगे वो हमारे पास बन जाएगा d³। अब यहां तक कर लिया, उसके बाद मसला तरतीब तफसील लगाएंगे।
मसला तरकीब तफसील लगाने से। अब ये क्या है, ऊपर वाला नंबर वैसे नीचे वाले नंबर ऊपर जाकर बटे के ऊपर जाकर जमा हो जाएगा, फिर ऊपर वाला नंबर वैसे लिख देंगे, नीचे बटे के जो नंबर का है उसको क्या करेंगे, नीचे आकर वो माइनस हो जाएगा। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी मसला तरकीब तफसील लगाएंगे, ये आ जाएगा सी की पावर तीन जमा डी की पावर तीन बटा, फिर बटे के ऊपर वाला नंबर सी की तीन वैसे बटे के नीचे ही आकर डी की तीन, जो नीचे कड़ाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखें, ए निस्पत बी बराबर सी निस्पत डी, ये क्वेश्चन दिया गया था, यहां से स्टार्ट करना है आपने, ये साबित करना था, ये अब हमने साबित कर लिया क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।